इसमें जो थाना में जो सूचना मिली थी उसके आधार पे ये दो जो महिलाएं ये सड़क के किनारे पर बैठकर जो है आपस में बातचीत कर रही थी, और उतने में जो है एक कार जो है सफ़ेद रंग की कार आती है, और जिसमें जो है उस समय तो दो तीन लड़के बताए थे कि वो उतरे और उन्होंने ये एक हथियार जिसमें जो है पिस्तल बताई थी इनके कनपट्टी पे रख करके, जो इनके जो बालियां, एक की बालियां और एक के टॉप्स सोने के थे, इनको छीन कर कार को जो है गुरुका लाहौर की तरफ जो भगा कर ले गए। तो इस सूचना पर जो है थाना से जो है एकदम जो थाना कोर्ट कैलूर से टीमें गठित हुई, जिसमें एक टीम जो है जो पुलिस चौकी गोलथाई जो थाना कोर्ट के अंतर्गत पड़ती है उसकी टीम भी जो थाना से सरकारी कार्य से जो फारिग होकर के जब चौकी की तरफ जा रही थी तो उसी टीम को जो है ये कार जो है मिलती है, और उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने जो है जो ये हेड कांस्टेबल सुरेश जो है जिसने नाका लगा कर रखा था उस नाका को तोड़ कर के भाग गए। तत्पश्चात कुछ समय के पश्चात जो थाना प्रभारी कोर्ट जो निरीक्षक वो भी इनका पीछा करते हुए वहीं पर इलाके में थे, तो इन्होंने भी एक नाका जो है वहाँ पर सेला घोड़ा में लगाया और वहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए थे, तो ये कार जो है पूरी स्पीड से आकर के बैरिकेड को तोड़ करके जो है वहाँ से निकल गई। थाना प्रभारी ने कोशिश की इसका पीछा करने की, और ये जब पंजाब की सीमा को जब ये निकलते हैं तो इन्होंने जो थाना प्रभारी ने पंजाब में थाना आनंदपुर को इसकी सूचना दी, उन्होंने भी नाका लगा करके रखा था, लेकिन वहाँ से भी ये भाग निकले। आखिर में जो थाना कीरतपुर के क्षेत्र में ये कार जो है कीरतपुर पुलिस जो थाना पुलिस थी, और जैसे ही ये वहाँ पर पहुँच रहे और पीछे से हमारी टीम जो थाना कोर्ट की जो टीम थी वो इसे इन्होंने संयुक्त रूप से जो है वहाँ पर रोका और इनकी तलाशी ली, और उसमें जो है ये पाया गया कि इसमें जो है चार लड़के हैं और एक लड़की है, जिनके नाम पता जो मालूम हुए, तो इसमें जो है जो कार जो ये कार नंबर थी ये स्विफ्ट कार थी जो PB 65 BH 5624 ये स्विफ्ट कार थी, और इसमें जो है चार लड़के थे, जिसको कार को जो चालक था वो गौरव गीत था वो चला रहा था, और उसके साथ जो है अन्य अजय कुमार, गुरविंदर और टिंकू शर्मा, ये इनकी जो उम्र है वो 19 से 23 साल के बीच में, जिसमें जो एक 15 साल का भी एक लड़का था और एक महिला 33 वर्षीय जसप्रीत कौर भी इसमें शामिल थी, तो इनकी वहाँ पर तलाशी भी ली गई, और तलाशी के दौरान जो है इनके पास जो जो शिकायत में दो सोने की बालियाँ और दो सोने के टॉप्स थे वो बरामद हो गए थे, और जो इसमें ये आरोप था कि इन्होंने जो पिस्तल की नोक पर जो है ये छीना झपटी जो की है, तो उसमें जो है इनके पास जो हथियार जो बरामद हुआ है वो एक लाइटर था, और जिसकी शेप पूरी की पूरी ये पिस्तल की तरह ही थी, लेकिन वो लाइटर पाया गया वो असली जो है हथियार। देश विदेश दीयां खबरां सब तो पहलां देखण लई पंजाबी स्टेशन यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो। फेसबुक अते इंस्टाग्राम उपभोक्ता साडे पेज नूं लाइक अते फॉलो करो। पंजाबी स्टेशन चैनल नूं पत्रकारां दी जरूरत है, चाहवान संपर्क करो। खबरां अते इश्तिहार देण लई साडी ईमेल अते साडे नंबर 9417574552 ते संपर्क करो। धन्यवाद।